हूं निवेदिता। साल 2014 के आम चुनाव के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के साथ ही विदेश नीति को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम किया। अमेरिका से लेकर चीन और रूस जैसे बड़े देशों को भी भारत सरकार ने साधने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसका परिणाम समय समय पर देखने को भी मिला। लेकिन इस वक्त देश में हो रहे आम चुनाव की वजह से सरकारी कामकाज पर भी थोड़ा असर पड़ा है, मगर सरकारी अफसर इसके बावजूद इस काम में तेजी से लगे हुए हैं कि 23 मई को जब आम चुनाव के नतीजे आए और केंद्र में नई सरकार बने तो उसके लिए पहले से ही रोडमैप तैयार कर लिया जाए, क्योंकि नई सरकार के लिए अगले 6 महीने बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। इन 6 महीनों में भारत को 4 देशों के साथ शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेना है। भारत जिन देशों के साथ सालाना शिखर बैठक करता है उनमें चीन, जापान, रूस और जर्मनी है, लेकिन आम चुनाव की वजह से इन शिखर बैठकों में देरी हो चुकी है। चुनाव के बाद कूटनीतिक लिहाज से अहम माने जाने वाले चीन के साथ शिखर बैठकों की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे और फिर नई सरकार के साथ शिखर बैठक होगी। इसके बाद जापान और जर्मनी के साथ भी शिखर बैठकें होने की संभावना जताई जा रही है। ये दोनों बैठक भी भारत में हो सकती हैं। जापान और रूस के साथ भी इसी साल के आखिर में बैठक होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा ब्रिक्स, ईस्ट इंडिया, G20, शंघाई सहयोग संगठन जैसी शिखर बैठकें भी होनी है, जिसमें भारत के नए प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कूटनीतिक कैलेंडर अगले 6 महीने बेहद बिजी रहने वाला है, क्योंकि नई सरकार के लिए दिसंबर 2019 तक का एजेंडा तय कर लिया गया है। ब्रिक्स, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ये सम्मेलन 13-14 नवंबर को ब्राजील में होगा। ईस्ट इंडिया, इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम शामिल है। इस बार ये बैठक थाईलैंड में होगी। G20, इस संगठन में अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये बैठक इस बार जापान में होगी, जबकि 2020 में सऊदी अरब और 2022 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। नई सरकार बनते ही सबसे पहले SCO की बैठक होगी। ये बैठक सदस्य देश किर्गिस्तान में 14-15 जून को होनी है। तो नई सरकार के गठन के बाद PM के लिए कूटनीतिक स्तर पर बेहद बिजी शेड्यूल रहने वाला है। इन अंतरराष्ट्रीय बैठकों के अलावा मौजूदा वैश्विक हालात में नई सरकार कुछ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकती है। भारत की विदेश नीति पिछले 5 सालों में बेहद मजबूत हुई है, जिसका असर हाल ही में हुई पुलवामा आतंकी घटना के बाद देखने को मिला, जब पूरा देश भारत के साथ खड़ा नजर आया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अगर बिना किसी शर्त के कब्जे में लिए भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ा था तो इसके पीछे भी भारत की जबरदस्त कूटनीतिक घेराबंदी ही थी। वहीं ऐसा पहली बार हुआ जब मोदी सरकार में पहली बार मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत ने हिस्सा लिया, जिसके विरोध में पाकिस्तान बैठक में शामिल नहीं हुआ। लेकिन संगठन में शामिल किसी भी देश ने इस्लामिक देश पाकिस्तान की नाराजगी को भाव नहीं दिया, जो भारत की मजबूत कूटनीति को दिखाता है।